So, hello everyone. So, in this lecture, we will study about E.B. Tylor. Okay. So, E.B. Tylor, he was your classical evolutionist. So, and जो इनका पीरियड है जो इनका जीवन काल का पीरियड है इट इज 1832 टू 1917. सो ईबी टायलर ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी. तो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के पितामह कहते हैं हम ईबी टायलर को. एंड ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, जो सबसे पहला साइंटिफिक कंसेप्ट है कल्चर, दैट साइंटिफिक डेफिनेशन है जो कल्चर की. सो इट वॉज गिवन बाय हिम इन हिज बुक प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव कल्चर. और स्टैटिकल मेथड्स जो आजकल एंथ्रोपोलॉजी में यूज होते हैं वो भी इन्होंने दिए थे, जो स्टैटिस्टिकल पूरे के पूरे मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स, कि कैसे आपको चीजों को अपने पास गिनना चाहिए, कैसे चीजों को अपने पास आपको रखना चाहिए, और अलग अलग बाकी और सारी की सारी चीजें. दीज आर ऑल नोन एज स्टैटिकल मेथड्स. सो कल्चरल सर्वाइवल्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया, एनिमिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दिया. सो बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं टू द फील्ड ऑफ योर एंथ्रोपोलॉजी. इवन जो सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हुआ था, उनके HOD भी आपके ईबी टायलर ही थे. ठीक है, उन्होंने हेड किया था, उन्होंने पायोनियर किया था आपके एंथ्रोपोलॉजी को. जितनी भी आपको आजकल भी एंथ्रोपोलॉजी दिखती है, कहीं ना कहीं इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम योर ईबी टायलर. एंड ही रोट प्रिमिटिव कल्चर इन 1871 एंड रिसर्च ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन 1861. तो ये दो इनकी बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स हैं जो आपको पूछे जा सकते, मतलब पूछे तो क्या जा सकते हैं, जो आपको लिखने होंगे. एंड देन अ सेंस ऑफ ईवी टायलर्स एवोल्यूशनरी थ्योरी की, इनकी असेंस क्या है, मतलब क्या था. ही लुक्ड एट द कल्चरल हिस्ट्री एट स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिमिटिव, कि जो आपकी कल्चरल हिस्ट्री है वो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट था इट वॉज योर प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव एग्जिस्टेंस, एंड एडवांस्ड टू सीक द पीक ऑफ सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे वो एडवांस होती गई. ठीक है, पहले था आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था इट वॉज योर प्रिमिटिव कल्चर, और धीरे धीरे वो एडवांस होता गया, स्टेज बाय स्टेज, और स्टेजेस थे आपके एडवांसमेंट के. द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज टू डिस्कवर दैट कल्चरल हिस्ट्री, और जो रोल है एंथ्रोपोलॉजी का वो यहां पे, अगर मान लो यहां पे कोई आपकी एक सिविलाइजेशन है बनी हुई है, सो रोल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या है कि वो पहली जो स्टेज थी आपकी एवोल्यूशन की उसको वो खोजे. ठीक है, उसको वो डिस्कवर करे, और फिर उसके बाद जो उसकी पिछली स्टेज है उसको डिस्कवर करे. सो दिस इज द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉज दैट रेगुलेट दिस प्रोसेस, और जो लॉज इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जो इस प्रोसेस को बनाते हैं, उन लॉज को अंडरस्टैंड करे, उन लॉज को समझे, एंड अंडरस्टैंडिंग द होल कल्चर, और पूरी की पूरी कल्चर को अंडरस्टैंड किया जाए. सो दिस वॉज द A sense of your E.B. Tylor's evolutionary theory, कि आप धीरे धीरे, आप जो पिछली इसकी कल्चरल स्टेज है, कल्चरल हिस्ट्री है, उसको खोजो, इसकी भी कल्चरल हिस्ट्री को खोजो, और डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली पीछे खोजते चले जाओ, और कौन से लॉज वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉज डिटर्मिनेंट्स, लॉज हो सकते हैं आपके द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेजेस, जो हमने इंटरनल पढ़ी हैं, एक्सटर्नल पढ़ी हैं, दैट कैन बी द लॉ. कंपैरेटिव मेथड दिया है इन्होंने. ठीक है, तो दीज आर द लॉज, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच योर एवोल्यूशन एग्जिस्ट्स. सो ईबी टायलर ही यूज कंपेरेटिव मेथड, तो उन्होंने कंपेरेटिव मेथड यूज किया था टू चॉक आउट द फॉलोइंग एवोल्यूशनरी स्कीम. तो उन्होंने, उनकी जो एवोल्यूशनरी स्कीम थी वो ये वाली एवोल्यूशनरी स्कीम थी. सो फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन. सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इट वॉज सेवेजरी. तो सेवेजरी उन्होंने कहा, ड्यूरिंग सेवेजरी जो आदमी था वो सब्सिस्टेंस कर रहा था वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर. सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है, कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स
पैदा हो रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स आपकी इकोलॉजी में है, वाइल्ड प्लांट्स आपकी इकोलॉजी में है, उन्होंने उगाए नहीं है, अभी आपके प्लांट्स नेचर उगा रही है, हम नहीं उगा रहे हैं, और उनसे हमने फ्रूट्स खा लिए, उनसे हमने नट्स ले लिए, उनसे हमने वीट ग्रेन्स, जो जो भी वो ग्रेन्स सीड्स पैदा कर रही है उनसे हमने ले लिए, एंड द यूज ऑफ द स्टोन टूल्स, और जो स्टोन टूल्स हैं उनका यूज हो रहा था। और जो रिलीजन इस टाइम पे डेवलप हुए थे, द रिलीजन्स देवर एनिमिज्म, जो हमने पिछली क्लास में की है, जो हमने पिछली वीडियो में की है, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? सोल की वर्शिप। एंड देन यू हैव एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म का क्या मतलब होता है? इस सोल को आपने एनिमेट कर दिया, आपने कह दिया कि ये एक तरह का पत्थर है, इस तरह का पत्थर है, तो आपकी सोल इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। मान लो आपने सोल की कोई मूर्ति बना दी, ठीक है, सोल के करेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए, तो लोगों ने उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। दिस इज नोन एज एनिमिज्म। नेचर वर्शिप का मतलब है जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल योर बैम्बू, फॉर एग्जाम्पल योर तुलसी। सो तुलसी प्लांट नेचर में एग्जिस्ट करता है, मैंने खुद नहीं बनाया तुलसी प्लांट, ये एनिमेटिज्म, आदमी खुद बनाएगा ये चीजों को और उन चीजों को कह देगा कि इसमें सोल एग्जिस्ट करती है, तो इसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दो। तुलसी प्लांट नेचर ने बनाया है, तो मैन ने कहा कि यहाँ दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, इसका भी ताल्लुक सोल्स के साथ है, सो योर नेचर वर्शिप स्टार्टेड। उसके बाद वाली जो स्टेज आई, इट वॉज बारबेरिज्म। बारबेरिज्म में पहले तो थी आपकी स्टोन टूल टेक्नोलॉजी। स्टोन टूल टेक्नोलॉजी से, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी को आपने और सोफिस्टिकेट कर दिया। यू डेवलप्ड वेरी पॉइंटी एंड शार्प टूल्स। इन पॉइंटी और शार्प टूल से आपने प्लोइंग करनी स्टार्ट कर दी। ओके, प्लोइंग करनी स्टार्ट कर दी, तो यू स्टार्टेड एग्रीकल्चर, आपकी एग्रीकल्चर होनी स्टार्ट हो गई। अब देखो एग्रीकल्चर में होता क्या है, एग्रीकल्चर में आप पहले प्लोइंग करके सीड्स को सो कर देते हो, ठीक है, बीज देते हो, फिर उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स आप बिल्कुल वेले, ओके, और ड्यूरिंग दैट पीरियड, फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपके पास वीट बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है, वीट, बारले, राइस, जो भी है आपके पास बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो एकदम से आपके पास सरप्लस जनरेट हो जाती है, ठीक है। जब आपके पास सरप्लस जनरेट होगी तो आप क्या करोगे, ट्रेड करनी स्टार्ट कर दोगे सरप्लस की, ठीक है, आप सेटल होना स्टार्ट हो जाओगे एक जगह के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले तो आपके पास थी सिर्फ भेड़ बकरियां, ठीक है, आपके पास थे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की तलाश करने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, ठीक है, तो सब्सिस्टेंस जब वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर था तो आप नोमैडिक थे, आप मोबाइल थे, ज्यादा आपको चलना पड़ता था। अब आपके पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के चलते अगर आपने इस लैंड के ऊपर अपनी फसल बीजी है तो आपको इस लैंड के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं पे रहना होगा, तो आपने घर बनाना शुरू कर दिया, आपकी जो लाइफ होगी वो सेडेंटरी होनी स्टार्ट होगी। लेट से ये पूरा का पूरा लैंड है, वहां पे आपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो साथ वाला बंदा था उसकी लैंड यहाँ पे है, उसने यहाँ पे घर बना लिया, उसके बाद किसी की लैंड यहाँ पे है, उसने यहाँ पे घर बना दिया, सो एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस बन जाएगा, एक विलेज की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी आप एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, यहाँ पे आपने वाइल्ड एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी। और इन दीज थ्री सिक्स मंथ्स बिल्कुल आप वेले हो, कोई काम करने के लिए है नहीं, सो आपने डेवलप कर दिया रिलीजन, रिलीजन की डेवलपमेंट हो गई। अब देखो नेचर वर्शिप तो है ही है आपके पास, आपके पास सोल भी है, ठीक है, सोल का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है, तो सोल के साथ बातें कौन करवा रहा है, मैजिशियन सोल के साथ बातें करवा रहा है। अब मैजिशियन का सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सोल के साथ बातें करवा रहा है आपकी, सीधी सीधी सोल इज
वेरी पावरफुल. सो मैजिशियन भी हो गया आपका पावरफुल, इसका सोशल स्टेटस बढ़ गया, इसका पावर बढ़ गई, सो ही बिकम गॉड मैजिशियन. सोल की वर्शिप छूट गई पीछे, मैजिशियन की वर्शिप होनी शुरू हो गई, वो आपका गॉड बन गया डेथ के बाद. ठीक है, उस गॉड की सोल की पूजा होनी स्टार्ट होगी, मैजिशियन की सोल की पूजा होनी स्टार्ट होगी. सो इवेंचुअली योर पॉलिथिज्म स्टार्टेड. जो अगली स्टेज आती है दैट इज योर सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन में क्या होता है, यू डेवलप योर आर्ट ऑफ राइटिंग. अब देखो यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है. ट्रेड में आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, हिसाब किताब की जरूरत पड़ेगी. मैथ्स की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी, सिंबल्स लिखने पड़ेंगे. सो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो गई. ओके, सो यहां पे है आपके पास पॉलीथिज्म. अब ये गॉड्स हैं आपके पास, गॉड्स, अलग अलग गॉड्स की पूजा हो रही है, पॉलीथिज्म है आपके पास. इनमें से एक गॉड बहुत ज्यादा पूजा करवाएगा, उसको बहुत ज्यादा आप पावरफुल समझने लगोगे, ज्यादा पूजा करनी उसकी स्टार्ट कर दोगे. इवेंचुअली इन गॉड्स को सोसाइटी भूल जाएगी और ये गॉड एक परमानेंट गॉड बन जाएगा, तो आपका मोनोथिज्म बन जाएगा. ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है उसकी सबसे ज्यादा वर्शिप होगी, एंड फ्रॉम द पॉलीथिज्म यू विल डेवलप योर मोनोथिज्म. सो इस तरह से पहले थी आपकी स्टोन टूल, फिर उसके बाद स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग के बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आपकी आयरन एज और योर आर्ट ऑफ राइटिंग. सो दिस इज हाउ योर स्टेज इज डेवलप्ड. एंड इन रिलीजन यू हैव एनिमिज्म, एनिमिज्म से एनिमेटिज्म, नेचर वर्शिप, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, तो ये बनना स्टार्ट हो गया. सो दिस इज द स्कीम ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द स्कीम ऑफ रिलीजन. तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स दी. सो वॉट आर द लिमिटेशंस. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज, कोई आपके पास प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं है कि एनिमिज्म इट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. ठीक है, कोई आपके पास परमानेंट अच्छा आपके पास एविडेंस इस चीज का मिला नहीं है कि एनिमिज्म वॉज द फर्स्ट रिलीजन. And no proper correlation was given between each evolutionary stage. अब देखो, these were the evolutionary stages. ठीक है, so these were the evolutionary stages. Hello.